आप सभी को जय मसीह की। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ मार्क, मरकुस की किताब और उसका 11वां अध्याय, 11 चैप्टर द गॉस्पल ऑफ मार्क। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, सृष्टि के मालिक, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है, आपने हमें संभाला है, बचाया है, रोशनी दी है, हमारे गुनाहों को आपने माफ किया है। आज होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन हमारी जिंदगियों को बदले, आज का वचन हमें अलर्ट करे, आज का वचन हमें एक नई रोशनी दे खुदावन और हमें जिंदगी से भर दे। मैं तुझसे विनती करता हूँ प्रभु, सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, तेरे साथ रहना सच्ची जिंदगी है। हमारी सहायता कर प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में आमेन, आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मरकुस का 11 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 12, 13 और 14, तीन वचन। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले और उसको भूख लगी, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ खाए कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए, और उसके चेले सुन रहे थे। आप जानते होंगे बाइबल बताती है कि यीशु 100% एक इंसान था और 100% परमेश्वर था। बाइबल बताती है जब वो आराधनालय में गया, तब कई बार जो ऐसे लोग होते थे जिनमें दुष्ट आत्माएं रहती थी, जीसस के वर्ड को सुन के उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, पीड़ा होती थी, और ये लोग खड़े होकर जीसस को चलती हुई सभाओं में कहते थे कि टाइम से पहले जज करने क्यों आ गया, समय से पहले न्याय करने क्यों आया। कितनी बड़ी बात है। आजकल बहुत लोग कहते हैं, किसने देखा है जिंदगी, किसने देखा है मरना, सब यही है, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है। डेविल बिलीव करता है कि जजमेंट है, लेकिन आजकल बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब जीसस प्रीच करता था तो दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती थी, वो जानती थी उसे, इसीलिए वो कहती थी कि हम जानते हैं तू कौन है, तू समय से पहले न्याय करने क्यों आ गया। क्या जानते थे दुष्ट आत्मा उसके बारे में? वो जानते थे ये बाहर से भले ही इंसान है लेकिन भीतर से ये परमेश्वर है। इन आउटसाइड ही वॉज मैन बट इनसाइड ही इज गॉड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस कहती है कि दुष्ट आत्माएं उसे जानती थी। आप इस बात को समझिए अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि परमेश्वर की पहचान क्या है। जैसे दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती थी, आज आपको समझना है कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल इज अ फुल ऑफ सिंबल्स। आप जानते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं साइन, चिन्ह। मैंने कुछ आज अपने नोटबुक पे आपको बताने के लिए लिखे थे, और मैं जानता हूं कि अगर आपने ये नहीं समझे तो आने वाले टाइम में जो मैं वचन अब आपको बताऊंगा आप वो भी नहीं समझ पाएंगे। आप जानते होंगे कि बाइबल बताती है कि यीशु 100% इंसान था और 100% परमेश्वर था। याद रखिए, वो परमेश्वर था, इसीलिए जब उसके सामने कोई झुकता था तो उसकी तो उनको मना नहीं करता था। आप जानते हो स्वर्गदूत, सच्चे स्वर्गदूत और सच्चे परमेश्वर के दास, कभी भी आप उनके सामने झुकोगे ना, या तो वो पीछे हट जाएंगे आपसे या आपको वो उठा के खड़ा कर देंगे। लेकिन यीशु के सामने जब लोग झुकते थे तो यीशु आराधना के लिए उन्हें मना नहीं करता था क्योंकि वो परमेश्वर था।
और आप जानते हैं वो इंसान था, उसका सबूत क्या है? उसे भूख लगी थी। वो 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था, और इस बात का जो एविडेंस है वो यहां पर दिखाया गया है। आप जानते हो यीशु को नींद आ गई थी एक बार बोट में, यीशु को भूख लगती थी। एक बार यीशु से पूछा गया कि तेरा आना कब होगा दोबारा, उसने कहा मैं नहीं जानता, केवल पिता। लिमिटेशंस में आया था। बाइबल बताती है कि वो हमारे बीच में एक इंसान के रूप में आया था। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, बाइबल बताती है यीशु को भूख लगी क्योंकि वो इंसान था, और बाइबल बताती है कि जब उसने एक पेड़ देखा तो उसने क्या देखा कि उसमें पत्तों को छोड़ कुछ नहीं है। तब वहां लिखा गया है कि फल का समय न था, सीजन्स नहीं थी। स्ट्रॉबेरी हमेशा नहीं मिलती, मिलती भी होगी लेकिन वो टेस्ट नहीं आता होगा जैसे वो सीजन्स में आता है। एप्पल्स की एक सीजन होती है, हर फ्रूट की अपने आप में एक सीजन होती है। बाइबल बताती है कि फल का समय न था। आप पढ़ सकते हैं आराम से, वो अंजीर का पेड़ था, अब उसमें फल नहीं थे और समय भी नहीं था। और जब यीशु ने देखा कि इसमें सिर्फ पत्ते हैं, तब प्रभु ने कहा अब से तुझमें कभी फल न लगे। अब मेरा एक सवाल है यहां पर जो आपका भी होगा कि ब्रदर, जब पेड़ के अंदर फल का समय ही नहीं था, वो फल नहीं दे सकता, तो जीसस ने क्यों उसे ऐसा कहा कि सूख जा? अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो बाइबल पूरी तरह से सिंबल से भरी हुई है। सबसे पहला सिंबल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, मुझे बताइए मिस्र देश किसको दर्शाता है? दुनिया। फिरौन किसको दर्शाता है? शैतान। इजरायली जब आगे आगे चलते थे, उनके आगे आगे बादल चलता था, ये बादल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को। मेमना किसे दर्शाया जाता है? जीसस को। खमीर किसको दर्शाया जाता है? जीवन को। क्या कहा प्रभु ने एक दिन? खमीर से सावधान रहो, फरीसियों के खमीर से, क्योंकि फरीसी करप्ट लाइफ जीते थे। यीशु ने यह नहीं कहा कि उनके जीवन से सावधान रहो, यीशु ने कहा उनके खमीर से, जो जिंदगी वो जी रहे हैं उसकी कॉपी मत करो क्योंकि वो गलत जिंदगी जी रहे हैं। बाइबल के अंदर फिरौन एक सिंबल है, एक चिन्ह है जो दिखाता है कि डेविल ऐसा है, हमेशा प्रभु के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। फिरौन चित्र है शैतान का, मिस्र चित्र है संसार का, क्लाउड जो है वो सिंबल है पवित्र आत्मा का, जो खमीर है वो जो सिंबल है वो है जिंदगी का, मेमना जो एक बेड़ होती है छोटी सी वो किसका सिंबल है? जीसस का। क्यों? क्या लिखा है यहुन्ना में, जब यहुन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को आते हुए देखा तो क्या कहा? देखो परमेश्वर का वह मेमना आ रहा है जो दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। और आप जानते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि फिरौन, मिस्र, क्लाउड, लैम और लेविन जिसको हम खमीर कहते हैं। अब मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, पेड़ किसका सिंबल है? किस चीज को दर्शाता है? आइए मैं आपको बड़े विस्तार से आप समझाना चाहता हूं। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5-6-7 अध्यायों को प्रचार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम एक पेड़ को उसके फलों से जानोगे। ये प्रभु ने कब कहा? उससे पहले प्रभु ने कहा बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे, बहुत कुछ करेंगे, प्रोफेसी करेंगे, सकरे फाटक को चौड़ा करेंगे, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा? तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रभु ने कहा जो एंडिंग डेज में तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग आएंगे, तुम इन्हें कैसे पहचानोगे? इनके फलों से, क्योंकि ये पेड़ हैं और फल इनका स्वभाव होगा। याद रखिए बाइबल के अंदर पेड़ मनुष्य का प्रतीक है। जहां जहां पर आपको बहुत सारी जगहों पर जहां पर पेड़ मिलता है, आपने देखा होगा बाइबल के अंदर पेड़ों का बड़ा जिक्र है। बाइबल स्टार्ट होती है भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से। अब उसके बाद पढ़ के देखिए, योना के समय एक पेड़ था वहां पर जो सूख गया। नतनेल कहां बैठा था? एक पेड़ के नीचे। जकई कहां था? एक पेड़ के ऊपर।
बाइबल के अंदर बहुत सारी प्लेसेस पे जहां पर पेड़ दिखाया गया है। इवन बाइबल बताती है कि एक दिन आया जब यीशु ने एक आदमी को ठीक किया और कहा तुझे क्या दिख रहा है, वो कहता है मुझे चलते हुए पेड़ दिख रहे हैं। वो पेड़ नहीं थे, वो इंसान थे जो पेड़ों की तरह दिख रहे थे उससे, क्योंकि उसका साइट क्लियर नहीं हुआ था। यहां पर लिखा गया है यीशु एक प्लेस पे आया, उसे भूख लगी, उसने पेड़ को देखा और जैसे वो उसके करीब गया उसमें फल नहीं था क्योंकि उसका समय नहीं आया था, फ्रूट का टाइम नहीं था। और यीशु ने कहा आज के बाद तुझमें कभी फल लगे। याद रखिए पेड़ एक मनुष्य का चित्र है। अब यीशु यहां क्या दिखा रहा है, क्यों उसने कर्ज किया, क्यों उसने उसको कहा सूख जा, जानते हो क्यों? हम वो पेड़ हैं। जानते हो हम अपने फल कब देते हैं, हम कब अच्छा चलते हैं? सिर्फ चर्च के अंदर। हमें लगता है चर्च ही ऐसी प्लेस है जहां पर हमें कोई गलत काम नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर पास्टर या अन्य विश्वासी हमें देख लेंगे तो हमारा नाम खराब होगा, हमारी गवाही खराब होगी। आप याद रखिए अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका स्वभाव चर्च में बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी वो सीजन होती है, लेकिन चर्च के बाद बहुत अलग है क्योंकि अब नॉन सीजन है, अब मुझे कोई देख नहीं रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल नहीं है। और ये आपके लिए और मेरे लिए एक प्रोफेसी है कि जैसे इस पेड़ में फल नहीं थे, प्रभु ने कहा तू सूख जा, एक दिन हमारे लाइफ में भी ऐसा हो सकता है जब खुदा आएगा वो हम रह जाएंगे और उसके बाद बचेगा क्या सूखने के सिवा। आज मैं आप में से हर एक से सवाल पूछना चाहता हूं उस कैमरा के सामने, कब फल देते हैं आप? सिर्फ चर्च के अंदर बड़े आराम से आप बोलते हैं पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड, बहन प्रेज द लॉर्ड, भाई प्रेज द लॉर्ड, आराम से एक चेयर लेते हैं बैठते हैं और जैसे लेकिन चर्च से बाहर निकलते हैं आपके फोन पे आप किसी से डिफरेंट बात करते हैं, घर के अंदर आपके व्यवहार अलग हैं, ऑफिस में आप बहुत हार्ड हो रूड हो, ये कौन सा पेड़ है? ये वही पेड़ है जो सिर्फ और सिर्फ समय पे फल देता है, समय के बाद नहीं। याद रखिए बाइबल बताती है वो वहां काटता है जहां उसने बोया भी नहीं है। क्यों जीसस ने ऐसा कहा कि सूख जा? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सिर्फ और सिर्फ सीजन में फ्रूट्स दें, चर्च में फ्रूट्स दें, वो चाहता है हम तब भी फ्रूट दें जब सीजन नहीं है। क्या अर्थ है फ्रूट का? फ्रूट्स में चलने का मतलब होता है परमेश्वर के स्वभाव में चलना। आत्मा के फल है आनंद, प्रेम, भलाई, कृपा, करुणा। ये किसके फल हैं? आत्मा के फल हैं, ये शरीर के फल नहीं है। बाइबल जहां पर मनुष्य के लिए कहती है वहां पर बार बार लिखा गया है पेड़ पेड़ पेड़, लेकिन फल का मतलब होता है स्वभाव। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर जैसे चर्च में चलते हैं वैसे ही घर में चलते हैं, वैसे ही ऑफिस में चलते हैं, वैसे ही पब्लिक प्लेसेस पे चलते हैं। कलीसिया के अंदर अगर आपके ऊपर गरम गरम चाय भी गिर जाए तो आप एडजस्ट कर लेते हो, लेकिन घर के अंदर या घर से बाहर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप वहां पर चिल्लाते हो। आप जानते हो आप कौन हैं? आप वो पेड़ हैं जो सिर्फ सीजन में फ्रूट्स देते हैं। हमारी सीजन सिर्फ चर्च में होती है, चर्च के बाद कोई सीजन ही नहीं हमारी। अरे वहां पर तो विश्वासी थे, पास्टर थे, सब देख रहे थे, अब यहां पर कौन है? इट्स ओके, चलता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ सिर्फ चर्च में फ्रूटफुल है, बाहर नहीं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये उत्तर जो मैं आपको दे रहा हूं आज, ये मैंने अपनी समझ से नहीं सीखा है, क्योंकि मैं जानता हूं इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं कई बार जब किसी का प्रचार सुनता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि एक्चुअली दिस गाय इज इंटेलेक्चुअल नॉट स्पिरिचुअल। ये आदमी अपने आप में शार्प है, बुद्धिमान है, वचनों को एक करके कोई ना कोई बात निकाल लेता है। परमेश्वर ने मुझे कोई इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं दिया, मैंने ये रेवलेशन पाया था प्रभु से। जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा प्रभु उसमें फल नहीं है फिर आप उसे क्यों सुखा रहे हो? तब प्रभु ने कहा तू स्टार्टिंग से देख, इंसान जो है मैंने उसे कई बार पेड़ भी कहा है बाइबल के अंदर, मैंने कहा है तुम्हें कि तुम किसी को उसके फलों से पहचानोगे। सूरज यहां पर देख, मैं चाहता था कि वो हमेशा फल दे लेकिन वो सिर्फ सीजन में फल देता है। आज भी यही कंडीशन है बहुतों की, कलीसिया के अंदर बड़े नम्र और दीन हैं लेकिन घर के अंदर जॉब पे और अन्य जगहों पे बहुत डिफरेंट है।
बहुत लोग अपना सेलफोन इन दिनों में आपको नहीं दिखाएंगे, क्यों? गंदगी से भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो लाइफ है जिसमें कोई फ्रूट्स नहीं है। अगर आप अपने लाइफ में फलों से भरना चाहते हो, जैसे यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो। जानते हो बने रहने का मतलब क्या है? पेड़ के बीच के हिस्से को, जो हिस्सा होता है, उसमें ऐसा वाटर होता है, ऐसी ग्रेवीज होती हैं, ऐसा रस होता है जो ब्रांचेस में जाता है और ब्रांचेस में फल लगते हैं डालियों में। जब आप उससे हुए जुड़े हुए रहोगे, वो पवित्र आत्मा जो खुदा के पास है, वो हमें वो इम्पार्ट करेगा और हमें फल आएंगे। हम नम्र होंगे, दीन होंगे, भलाई करेंगे, प्यार करेंगे, धीरज धरेंगे, क्षमा करेंगे, बहुतों की जरूरतों को पूरा करने के ख्याल रखेंगे हम अपने आप में। लेकिन हम शरीर में रहेंगे तो हम कभी फल नहीं ला सकते। यही रीजन है मैं अपने मीटिंग्स में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं, वचन को पढ़िए, दुआओं में रहिए, फास्टिंग कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए, परमेश्वर को समय दीजिए ताकि आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो। पहली बात प्रभु ने यही आदम को कही थी, जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर चाहता था जैसे उन दिनों में आदम के बहुत से बच्चे हो, फ्रूटफुल हो जाओ, वैसे ही न्यू टेस्टामेंट में प्रभु चाहता है कि हमारे पास बहुत फ्रूट्स हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं और मैं संदेश को उसके बाद में बंद कर दूंगा, क्या आप एक ऐसे पेड़ हैं जो हमेशा खुदा को फल देते हैं उसके अनुग्रह से? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब भी प्रभु आपको देखे तो आपको यही कहे कि एक ऐसा पेड़ है जो हमेशा फल देता है? मुझे बताइए कि आप एक ऐसे पेड़ हैं जिसके लिए खुदा कह सकता है इसकी सीजन सिर्फ इसकी चर्च है, ये वहीं जाकर एक्टिंग करता है, वहां से निकलने के बाद ये लड़कियों को देखता है, गंदी गंदी बातें लिखता है, गलत गलत बोलता है, गलत देखता है, सोचता है, हर तरह की गुनाह में, बुराइयों में करता है, लेकिन चर्च के दरवाजे के अंदर ये फ्रूटफुल हो जाता है, जिसे एक्टिंग हिपोक्रेसी कहते हैं। ये समय है अपनी जिंदगी को पहचानिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो अपने लाइफ में फल नहीं रखता, ये एक प्रोफेटिक मैसेज है आप सबों के लिए, एक आत्मिक और एक भविष्यवाणी के तौर पे है कि वो लोग रह सकते हैं, क्योंकि यीशु ने ऐसे पेड़ को सुखा दिया। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर, ये वचन मेरे लिए था, हाँ ब्रदर, मैं कलीसिया में बहुत अलग हूं, घर में बहुत अलग हूं, मैं वचन को बड़े ध्यान से सुनता हूं, लेकिन मेरा बिहेवियर आज भी अच्छा नहीं है, यदि आप में से कोई भी ऐसा है, मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपसे प्यार करता है। यही कारण है कि वो प्यार करता है, इसीलिए ऐसे संदेश उसने आप तक पहुंचाए हैं आज इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सूख जाएं, पर वो चाहता है कि आप फ्रूटफुल हो, आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी हो।